हेलो जेम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रेडो का क्वेश्चन नंबर 4.39। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रबर कॉर्ड विद इलास्टिसिटी कोफिशिएंट के। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर विच द बॉडी कैन बी पुल्ड डाउन फॉर द बॉडीज ऑसिलेशन टू रिमेन हार्मोनिक। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इन दिस केस। तो यहाँ बच्चे जब पढ़ते हैं क्वेश्चन तो पहली नजर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं और गलत कर देते हैं। गलती कहाँ होती है? किस शब्द से होती है? इस रबर कॉर्ड से होती है। क्यों? रबर कॉर्ड और स्प्रिंग एक जैसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, स्प्रिंग जो है अगर नेचुरल लेंथ में है, मान लो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, अगर आप इसको खींचते हैं नेचुरल लेंथ से तब इसमें टेंशन डेवलप होती है, और जब इसको आप दबाते हैं नेचुरल लेंथ से तब भी टेंशन डेवलप होती है। मतलब स्प्रिंग जो है स्ट्रेच रहे या कंप्रेस हो, दोनों केस में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कराती है। लेकिन ये जो कॉर्ड है, वो कॉर्ड अगर ये नेचुरल लेंथ पे है कोई टेंशन नहीं, खींच दिया टेंशन हो गया। लेकिन अगर इसको सोचो स्लैक कर दो तो ऐसे उठा दो, कोई टेंशन नहीं, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स तभी प्रोवाइड करेगा जब खिंचा हुआ रहेगा, क्योंकि रस्सी है। समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब तक खिंचा रहेगा तब तक ऑसिलेशन होगा, जब खिंचा नहीं है तो ऑसिलेशन नहीं होगा। अभी ये कॉर्ड की नेचुरल लेंथ है। अब इस कॉर्ड से एक ब्लॉक को अटैच किया गया है, तो यहां तक खिंचा हुआ है। इस समय जो हमें गिवन क्वेश्चन में जो सिचुएशन है वो ये वाली सिचुएशन है। यहां के बाद पूछ रहे कितना खींचा जाए कि ऑसिलेशन हार्मोनिक रहे। तो अभी कितना है? अभी है के वाई नॉट। के वाई नॉट होता है एम जी के बराबर। तो वाई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो एम जी बाई के बराबर है। मतलब ये जो है ये वाई नॉट एम जी बाई के बराबर। अब आप इसको चाहते हो ऑसिलेशन बना रहे, ऑसिलेशन तब तक बना रहे जब तक खिंचा रहे। तो ये सिकुड़ेगा कब? जब इसके ऊपर ले जाओगे। इसका मतलब इसको हम इससे नीचे इतना ही खींच दें, ठीक है? जब इतना ही और खींच देंगे वही एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बन जाएगा। तो जितना हम इसको नीचे खींचेंगे उतना ही ये ऊपर जाएगा, इसी के ऑर्डर से ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब हम कितना मैक्सिमम खींच सकते थे? वाई नॉट के बराबर ही खींच सकते थे, क्योंकि इससे ज्यादा खींचेंगे तो इससे ज्यादा ऊपर तक जाएगा, तो सिलेक्ट कर जाएगा, ऑसिलेशन नहीं। क्लियर? समझ में आया? चलो, तो ये पार्ट तो खत्म हो गया। कितना खींचना पड़ेगा? वाई नॉट के बराबर ही खींचना पड़ेगा। ऑसिलेशन की एनर्जी क्या हो जाएगी? इस समय यहाँ पे खाली इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इस समय यहाँ पे क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है? तो एनर्जी क्या लिखी जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर। तो हाफ के ए की वैल्यू एम जी बाई के स्क्वायर। तो एनर्जी आ जाएगी एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई टू के। ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ऐसी और क्वेश्चन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।